सभी निर्वाचित सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रथम सत्र की शुरुआत प्रत्येक वर्ष महामहिम राज्यपाल जी के भाषण से होता है। आज समेत सदन को राज्यपाल महोदय का महत्वपूर्ण संबोधन प्राप्त होगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि विगत लगभग 3 वर्ष से राज्यपाल महोदय का जो मार्गदर्शन प्रदेश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है, सभी माननीय सदस्यगण आज उनके अभिभाषण से मार्गदर्शन प्राप्त करके न केवल पिछली उपलब्धियों को बल्कि भावी कार्य योजना को भी सदन में चर्चा परिचर्चा का विषय बनाएंगे। गंभीर और प्रभावी बहस के माध्यम से देश की सबसे बड़ी विधानसभा के गौरव और गरिमा में अभिवृद्धि भी करने में अपना योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का 2022-23 का बजट भी इसी सत्र में आएगा। एक प्रकार से बजट सत्र है। 26 मई को प्रदेश सरकार अपना बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, समाज के प्रत्येक नागरिकों के हितों के लिए जो बजट यहां पर प्रस्तुत होगा, उस बजट में सभी माननीय सदस्य भाग लेंगे और बजट को पारित करा करके प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने में अपना योगदान भी देंगे। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों और आधी आबादी के हितों के लिए किसी भी प्रकार की कोई चर्चा परिचर्चा के लिए सरकार सदैव तैयार रहेगी। स्वाभाविक रूप से सभी सदस्यों को इस अवसर पर सदन में अपनी बात को रखने का मौका भी मिलेगा, लेकिन माननीय सदस्यगण अपनी बात को तभी सदन में रख पाएंगे जब उस प्रकार का माहौल सदन के अंदर विपक्ष बनाने में अपना योगदान देगा। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने और प्रत्येक माननीय सदस्य के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे को एक सार्थक और सारगर्भित चर्चा के साथ ही उसका उत्तर देने के लिए भी पूरी तरह तैयार रहेगी। 18वीं विधानसभा के गठन के साथ ही पहला सत्र प्रारंभ होने पर मैं सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अपनी रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यहां पर देकर के उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी विधानसभा होने के नाते उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो भी कार्य होंगे उसकी चर्चा देश के अन्य
राज्यों में भी होगी। जो आचरण यहां पर मान्य सदस्यों का होगा वह न केवल 25 करोड़ लोगों के बीच में बल्कि अन्य जगहों पर भी उसकी चर्चा होगी। इसलिए कोई भी ऐसा आचरण न हो जो माननीय सदस्यों के गौरव और गरिमा के विरुद्ध हो। बजट सत्र के प्रारंभ होने और 18वीं विधानसभा के गठन के साथ ही इस प्रथम अधिवेशन में मैं अपने सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इसीलिए कहा ना कि ये सदन की गरिमा को बना करके इस उच्च सदन का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का जो अभियान चल रहा है, विगत 5 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोक कल्याण के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, गरीब कल्याण के और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो कार्य हम लोगों ने किए हैं, उन सब पर चर्चा और भावी योजनाओं पर चर्चा का भी मंच होता है सदन। और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण उसी प्रतिध्वनि को प्रदर्शित करने का भी एक माध्यम होता है जिसमें खुली चर्चा होती है। माननीय सदस्य शोरगुल छोड़ करके चर्चा में भाग लेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और फिर उसका लाभ प्रदेशवासियों को प्राप्त होगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।